दोस्तों, अगर आपके पास गाड़ी है, चाहे वो टू व्हीलर हो सकती है, फोर व्हीलर हो सकती है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि आजकल गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर ही आते हैं। ट्यूबलेस टायर हो या ट्यूब वाला, कभी न कभी पंचर हो ही जाता है। तो ट्यूबलेस टायर में अगर पंचर हो जाता है, तो वैसे तो वो टायर हवा भर के भी काफ़ी टाइम चल सकता है, लेकिन फिर भी पंचर तो लगवाना पड़ता ही है। तो पंचर ट्यूबलेस टायर में लगवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसा पंचर लगवाना चाहिए, और जिससे पंचर भी सही लगे, सही रिपेयर हो जाए, जिससे हमारा टायर भी ख़राब ना हो और हमें परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आज मैं वही ट्यूबलेस टायर के पंचर के बारे में बताऊंगा कि ये ट्यूबलेस टायर जो पंचर हैं कितने तरह के होते हैं, और इनको लगवाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, तो इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी देखें, थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्यूबलेस टायर का जो पंचर है वो हम तीन तरह से सही करवा सकते हैं। नंबर एक, नॉर्मल पंचर होता है जो बाजार में लगता ही है। दूसरा जो होता है वो होता है मशरूम पैच टाइप का पंचर, और तीसरा होता है आपका पंचर लिक्विड, लिक्विड रूप में होता है, जिसे टायर में डाला जाता है। तो आज मैं इन तीनों पंचर के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इनको एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और कैसे इनको लगवा सकते हैं। तो बारी बारी से एक एक करके मैं बताता हूँ। पहले जो एक नंबर का पंचर है उसके बारे में बात करते हैं। उसको बोलते हैं नॉर्मल पंचर। नॉर्मल पंचर क्या है कि एक रस्सी टाइप की सूत और धागे से, मतलब धागे से और रबड़ से बना बनी हुई एक स्ट्रिप होती है, जिसको एक विशेष टूल से टायर के पंचर, जहाँ टायर में पंचर हो जाता है, होल हो जाता है, उस होल में डाला जाता है, जिससे टायर में पंचर लग जाता है। तो इसके लगवाने से क्या फायदे हैं दोस्तों? ये थोड़ा समय का बचत होता है, इससे जल्दी लग जाता है, रेडी टू मूव, और दूसरा हर जगह मिल जाता है, लगवाने में आसानी रहती है। इससे डिसएडवांटेज क्या है इसके? इसके डिसएडवांटेज ये हैं दोस्तों कि ये कुछ टाइम बाद लीक करने लगता है, रबड़ जो है वो घिस जाती है या ख़राब हो जाती है, धागे ढीले पड़ जाते हैं उसमें, होल में, जिससे लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे हमें फिर उसमें ट्यूब डलवानी पड़ती है, या आपका जो दूसरा वाला पंचर है, मशरूम पैच का वाला जो पंचर है वो लगवाना पड़ता है। तो अब दूसरे वाले पंचर की बात करते हैं, वो है मशरूम पैच टाइप पंचर। इसको लगवाने से क्या फ़ायदा है, कैसे लगाया जाता है? तो दोस्तों, ये एक पंचर होता है मशरूम, जैसे मशरूम होता है ऐसे पेस्ट टाइप का पंचर होता है। इसको टायर को रिम से उतार कर और जब लगाया जाता है, टायर को वल्कनाइज करके पूरा प्रोसेस होता है इसका लगाने का पूरा, उसके बाद उसमें अंदर से ये फिट किया जाता है और ऊपर अंदर से डालकर ऊपर निकल आता है, जिससे
ये एक मजबूत और जिसे ओरिजिनल पंचर भी बोल सकते हैं, इसमें लीकेज की संभावना कम रहती है और इसका यही फायदा रहता है कि ये लीकेज कम होता है। इससे क्या नुकसान होते हैं ये हम बता देते हैं। इससे थोड़ा सा ये नुकसान है कि ये थोड़ा महंगा है, हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, बाकी ये जेन्युइन पंचर यही है। अब तीसरा जो पंचर होता है रिपेयरिंग का, वो है आपका लिक्विड। एक लिक्विड आता है टायर में डालने के लिए, टायर का जहाँ से हवा भरते हैं उस के द्वारा ही इसको टायर में फिल किया जाता है और फिर हवा भर दी जाती है, तो ये पूरे टायर में घूम जाता है, जिससे जो भी कील लगती है होल हो जाता है उस होल को ये भर देता है, जिससे हवा नहीं निकलती है। तो इसका भी फायदा यही है कि रेडी टू मूव है थोड़ा, और लेकिन इसका नुकसान मुझे ज़्यादा लगता है। क्या नुकसान है इससे कि जब इसको टायर में डाला जाता है तो ये टायर में डलने के बाद सारे टायर में घूम जाता है, तो जब हमारा टायर चलता है तो उस टायर का वेट अनइवन हो जाता है, हो जाता है, जिससे टायर बबलिंग करने लगता है। ये इसका काफ़ी नुकसान है और हर जगह ये भी नहीं मिलता है, कहीं अच्छी जगह ही मिलेगा, उसका प्रोसेस भी अलग ही है। तो ये है जानकारी ट्यूबलेस टायर पंचर के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। मैं जो है टायर रिलेटेड, अलाइनमेंट रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अब दीजिए इजाज़त।